ठोस अवस्था लेसन के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कोई भी ठोस पूर्ण नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई अपूर्णता होती है, जिसको हमने हेडिंग दी थी ठोसों में अपूर्णताएं। और अपूर्णता का मतलब था उसमें कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता था। और दोष ठोसों में दो प्रकार के होते हैं, एक पंक्ति दोष और एक बिंदु दोष। पंक्ति दोष पूरी की पूरी पंक्ति के कारण होता था और बिंदु दोष किसी एक जालक बिंदु या एक अव्यवीकरण के कारण होता था। फिर बिंदु दोषों के हमने प्रकार पढ़े थे, पंक्ति दोष हमारे सिलेबस में थे नहीं, तो बिंदु दोषों के प्रकार में एक थे स्टॉक्योमेट्रिक दोष, एक थे अशुद्धता दोष और एक थे नॉन स्टॉक्योमेट्रिक दोष। और हमने कल कहा था कि हम पहले पढ़ेंगे स्टॉक्योमेट्रिक दोष, तो आज देखते हैं स्टॉक्योमेट्रिक दोष। एपिसोड में आगे देखें क्या हुआ कि स्टॉक्योमेट्रिक दोष जो है वो हमारे पास जो थे उसके हमने दो लाइनें लिखी थी। क्या कि एक लाइन तो स्टॉक्योमेट्रिक दोष की ये लिखी थी कि इसके अंदर धनायन स्टॉक्योमेट्रिक दोष वो होता है जिसमें धनायन व्यय ऋणायन का अनुपात नहीं बदलता। स्टॉक्योमेट्रिक दोष उसे कहते हैं जिसमें धनायन व्यय ऋणायन का अनुपात नहीं बदलता, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। और दूसरी बात हमने कहा था कि इसके अंदर वैद्युत क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्या होता है, क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहती, वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। ये स्टॉक्योमेट्रिक दोषों में दो लाइनें बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि स्टॉक्योमेट्रिक दोष उसे कहते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात नहीं बदलता और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, उसे हम स्टॉक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। बच्चों स्टॉक्योमेट्रिक दोष को हम रस समीकरणमितीय दोष भी कहते हैं और इसको हम ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। स्टॉक्योमेट्रिक दोष को हम क्या कहते हैं, आंतर या उष्मीय गतिकीय दोष। अब स्टॉक्योमेट्रिक दोष के और क्या क्या नाम है यहां पर मैं लिख देता हूं। चलो एक तो नाम है रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष भी हम इसको कहते हैं। हम इन्हें आंतर दोष भी कहते हैं, हम इन्हें ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं, ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टॉक्योमेट्रिक दोष के बारे में ये तीन नाम जो है इसी के ही हैं और परिभाषा जो है वो आपके सामने मैंने लिख दी है। चलिए अब क्या है कि स्टॉक्योमेट्रिक दोष दो प्रकार के यौगिकों में मैंने आपको पढ़ाए थे, एक तो अनआयनिक यौगिकों में और एक आयनिक यौगिकों में। तो पहला शुरू करते हैं अनआयनिक यौगिकों में, इसमें अनआयनिक यौगिकों में देखिए बच्चों आज की क्लास आपको साथ के साथ समझ में आ जाएगी और साथ में हमने पाठ्यनिहित प्रश्न 1.19 भी पढ़ना है इसी क्लास में, 1.20 भी पढ़ना है और अभ्यास प्रश्न 1.23 भी आज की क्लास में खत्म करना है, ठीक है। तो अनआयनिक यौगिकों में दो प्रकार के दोष थे, एक तो था बच्चों कौन सा, रिक्तिका दोष, कौन सा दोष था, रिक्तिका दोष, और एक था आपके पास अंतराकाशी दोष, कौन सा था, अंतराकाशी दोष। इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए पहले मैं आपको रिक्तिका दोष का एग्जांपल बना के देता हूं, रिक्तिका दोष का डायग्राम बना लेते हैं अपने। यूं एक प्रकार का ऐसे क्रिस्टल था, अब इस क्रिस्टल में ऐसे अभिविकरण पड़े थे, यूं अभिविकरण पड़े थे। अब इसके अंदर यहां पर जो ये मान लो ये अभिविकरण पड़े हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर अभिविकरण आए ही ना, ये यहां पर अभिविकरण आना चाहिए था लेकिन यहां पर अभिविकरण आए ही ना, यहां पर अभिविकरण ना हो तो यहां पर क्या रह जाएगी, रिक्तिका रह जाएगी। इस खाली जगह को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा रिक्तिका, क्या कहूंगा, रिक्तिका। तो इस प्रकार जो दोष होगा उसको अपने रिक्तिका दोष कहेंगे। तो क्या कहेंगे अपने कि यदि किसी क्रिस्टल में
अव्यवीकरण अव्यवीकरण अपने आदर्श स्थिति पर ना हो, उपस्थित स्थिति पर उपस्थित ना हो तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है कि कोई अव्यवीकरण यहां पर आना चाहिए था लेकिन यहां पर नहीं है, चाहे वो आया नहीं चाहे वो कहीं इससे बाहर निकल गया हो, ठीक है, लेकिन यहां पर अव्यवीकरण है नहीं, यहां होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, रिक्तिका दोष कह रहा हूं। जब अव्यवीकरण नहीं आया तो यहां पर खाली जगह रहेगी जिसको मैं रिक्तिका कह रहा हूं, और इसी वजह से मैं इसको रिक्तिका दोष कह रहा हूं। ठीक है, अब ये अव्यवीकरण क्यों नहीं आता, आता नहीं एक्चुअली, ये चला जाता है, कहां चला जाता है, कैसे चला जाता है कि जब इस क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो ये दोष उत्पन्न होता है, जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो यह दोष उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। क्या मतलब है कि जब इसको गर्म किया जाता है ना तो इसमें कहीं कहीं से बीच बीच में से अव्यवीकरण जो है इससे बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकल गए तो यहां पर तो अव्यवीकरण रहे नहीं, अब अव्यवीकरण नहीं रहे तो क्या बच गई, रिक्तिका, और इससे जो उत्पन्न दोष हुआ उसको हमने क्या नाम दे दिया, रिक्तिका दोष हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब तीसरी बात देखें इसके अंदर, तीसरा पॉइंट देखें, जो बच्चों रिक्तिका दोष होता है ना, रिक्तिका दोष वो आपके पास क्या होता है कि इसकी वजह से घनत्व जो है, घनत्व कम हो जाता है, घनत्व जो है वो कम हो जाता है। कैसे घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि d घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। अरे बच्चों जब अव्यवीकरण नहीं आया तो द्रव्यमान कम हो गया, कुल द्रव्यमान क्या हो गया, पहले 6 अव्यवीकरणों का द्रव्यमान था, अब एक कण इसको गर्म करने से बाहर निकल गया तो एक कण कम हो गया, अब द्रव्यमान कितने का रह गया, 5 अव्यवीकरणों का, तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या हो गया, कम, और द्रव्यमान कम हो जाएगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम। तो क्या होगा, रिक्तिका दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपके पास रिक्तिका दोष। अब आ जाओ आप अंतराकाशी दोष में, अंतराकाशी दोष क्या होता है कि ये मेरे पास एक क्रिस्टल था, ठीक है, ये क्रिस्टल था, अब इसके अंदर यूं अव्यवीकरण पड़े थे, ऐसे पड़े थे, ऐसे, ठीक है, ये सारे ही पड़े हैं, चलिए ये सारे अव्यवीकरण पड़े हैं, अब इनके बीच में ये जो खाली जगह है ना इसको मैं अंतराकाशी स्थान कहता हूं, क्या कहता हूं, अंतराकाशी स्थान कहता हूं, इंटरस्टीशियल स्पेस कहता हूं। ठीक है, और बाहर से कोई कण एक्स्ट्रा इन अंतराकाशी स्थानों में आ जाए, यहां कण आना नहीं चाहिए था, आना नहीं चाहिए था, आदर्श स्थिति तो यही वाली है कि ऐसे ही बनना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि बाहर से कोई कण अंतराकाशी स्थानों में आ गया, अब अंतराकाशी स्थानों में आ गया तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो आप अंतराकाशी दोष की पहली परिभाषा लिख लेंगे क्या, कि यदि किसी क्रिस्टल के, यदि किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थानों में, अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त अव्यवीकरण आ जाए, अतिरिक्त अव्यवीकरण आ जाए तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी क्रिस्टल में अव्यवीकरण अतिरिक्त अव्यवीकरण अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं, और यदि किसी क्रिस्टल से अव्यवीकरण बाहर चला जाए या अपनी जगह पर उपस्थित ना हो तो रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है और इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। अब ये जो अंतराकाशी दोष है ये कब उत्पन्न होते हैं, ये क्रिस्टल के निर्माण के समय उत्पन्न होते हैं, अंतराकाशी दोष क्रिस्टल के निर्माण के समय उत्पन्न होता है, निर्माण के समय उत्पन्न होते हैं अंतराकाशी दोष, कि जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था तभी एक्स्ट्रा कण जो है इसके अंतराकाशी स्थानों में आकर के बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिस्टल के निर्माण के समय अंतराकाशी दोष उत्पन्न होते हैं। अगर मैं तीसरी बात इससे पूछूं कि आपको कहूं कि बताओ इससे घनत्व बढ़ गया कि घट गया,
आप लोग आंसर दें कि घनत्व बढ़ गया या घट गया, आंसर देते पहले मुझे फटाफट। देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अरे पहले द्रव्यमान 6 कणों का था लेकिन अब एक्स्ट्रा कण और हो गया तो द्रव्यमान कितने कणों का हो गया 7। अब 7 कणों का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, मतलब पहले से बढ़ गया द्रव्यमान, बढ़ गया तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो अंतराकाशीय दोष में घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अनआयनिक यौगिकों में रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष मैंने बता दिए। यहां पर एक चीज गौर करना, मैंने धनायन और ऋणायन के अनुपात की बात नहीं करी, ठीक है, और ना ही मैंने विद्युत उदासीनता की बात करी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये अनआयनिक यौगिकों में पाए जा रहे हैं, धनायन ऋणायन तो आयनिक में होंगे ना, और विद्युत उदासीनता तो आयनिक यौगिक में बनेगी ना, ये तो कण पहले से ही क्या है, उदासीन ही है। तो इसलिए जो है यहां पर हम धनायन ऋणायन के अनुपात की बात नहीं कर रहे और विद्युत उदासीनता की बात नहीं कर रहे, आयनिक यौगिकों में अपने इनकी बात करेंगे। चलिए फटाफट मेरे को बताओ कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष याद हुए क्या आपको? हाँ याद हो गए, चलिए बोलो फिर। क्या रिक्तिका दोष कहता है यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, मतलब कोई अवयवी कण, कोई एक कण, कोई अवयवी कण अपनी आदर्श स्थिति पर ना हो तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। ये गर्म करने पर उत्पन्न होते हैं और इससे घनत्व कम हो जाता है। और अंतराकाशीय दोष जब किसी क्रिस्टल में क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त अवयवी कण आ जाता है तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय दोष कहा जाता है और ये क्रिस्टल के निर्माण के समय उत्पन्न होते हैं और इससे घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गई बात कंप्लीट। अब मैं चलता हूं आपको लेकर के आयनिक यौगिकों में स्टोकियोमेट्रिक दोष। आयनिक यौगिकों में ये मैं साफ कर दूं ना। चलिए अब आपसे अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष में अंतर लिखो, ठीक है, कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष में क्या अंतर है ये आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे, ठीक है। और जो आपके पास ये अभ्यास प्रश्न 1.23 जो है उसके अंदर आपसे पूछा भी गया है कि अंतराकाशीय दोष और रिक्तिका दोष को परिभाषित कीजिए, ठीक है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है तो आप इनको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर उदाहरण पूछे तो उदाहरण जो है कोई भी धातु जो है उदाहरण इसका हो जाएगा, दोनों का ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके नेक्स्ट जो है प्रकार में लेकर के चलता हूं मैं, क्या कि आयनिक इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा जगह चाहिए इस बार। चलिए देखो आयनिक यौगिकों में स्टोकियोमेट्रिक दोष, पहले हमने किसमें पढ़ा बच्चों, अनआयनिक में, आयनिक यौगिकों में अंतराकाशी स्टोकियोमेट्रिक दोष, आयनिक यौगिकों में स्टोकियोमेट्रिक दोष। अब आयनिक यौगिकों में स्टोकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ये गौर कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यूं मान लें कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है। एक तो होता है हमारे पास शॉटकी दोष और एक होता है हमारे पास फ्रेंकल दोष। दो दोष हैं, एक है शॉटकी दोष और एक है फ्रेंकल दोष। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है शॉटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर लिखो, या फिर अभी जो अभ्यास प्रश्न 1.23 है वो भी यही कहता है कि शॉटकी दोष को उदाहरण सहित परिभाषित करो और फ्रेंकल दोष को परिभाषित करो, ठीक है। तो अब आपको ये जो है मैं करवाने जा रहा हूं, पहले शॉटकी दोष देखें कैसे बनता है। शॉटकी दोष के अंदर यूं मेरे पास एक क्रिस्टल है, देखो मैं एग्जाम स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। अब इसके अंदर यूं अवयवी कण थे, ये इसके जालक स्थल है, इस जालक स्थल के अंदर अब आयन आ रहे हैं, जैसे मैंने लिखा Na प्लस और दूसरा मैंने लिखा अलग अलग कलर से लिख लेता हूं Cl माइनस, फिर मैंने लिख दिया Na प्लस, यहां पर भी आएगा Na प्लस और यहां पर भी आएगा Na प्लस और यहां पर आ जाएगा Cl माइनस, यहां पर आ जाएगा Cl माइनस, ठीक है।
और ये इस तरीके से सभी अवयवी कण जुड़ करके ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये एक आदर्श क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है बच्चों? आदर्श क्रिस्टल है। और इस आदर्श क्रिस्टल में यहां पर ये जो बीच में जगह है उसको अंतराकाशी स्थान कहते हैं और ये एक आदर्श क्रिस्टल बन गया। अब शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों में है तो मैंने प्लस माइनस बना लिए, ठीक है। और शॉर्ट की दोष की अगर बात करें तो एक आसान सी बात याद कर लो कि शॉर्ट की मतलब शॉर्ट है ना, आईपीएल चल रहा है ना, वो वाला शॉर्ट, कि शॉर्ट लगा और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, शॉर्ट लगा और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान रख लेना कि यहां पर जो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर एक नहीं जाएगी, कितनी जाएंगी? दो जाएंगी। कितनी जाएंगी? दो जाएंगी। कैसे? कि इसके अंदर शॉर्ट की दोष उसे कहते हैं जिसमें धनायन व ऋणायन, कहीं से धनायन कहीं से ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाए, ठीक है। एक धनायन गया तो एक ही ऋणायन गया, अगर दो प्लस जाते तो दो ही माइनस जाते, चार प्लस जाते तो चार ही माइनस जाते, पांच प्लस जाते तो पांच ही माइनस जाते, ठीक है। तो यदि किसी क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से कहां चले जाएं बच्चों? बाहर चले जाएं, तो उत्पन्न दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं बच्चों? शॉर्ट की दोष कहते हैं। बस जो रिक्तिका दोष था ना, उसमें और इसमें एक ही अंतर है कि रिक्तिका दोष में एक अवयवी कण जाता था कहीं से भी, लेकिन यहां पर क्योंकि ये शॉर्ट की दोष तो आयनिक यौगिकों में पाया जा रहा है, तो आयनिक यौगिकों में धनायन जब जाएगा तो ऋणायन भी जाएगा और दोनों समान संख्या में जाएंगे, तो उसको अपने कहते हैं शॉर्ट की दोष। शॉर्ट लगा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन शॉर्ट की दोष में दो दो बॉलें जाएंगी, एक प्लस वाली बॉल जाएगी एक माइनस वाली बॉल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा इसके पास एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जो शॉर्ट की दोष है वह एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। शॉर्ट की दोष एक प्रकार का कैसा दोष है बच्चों? रिक्तिका दोष है, क्योंकि यहां पर भी क्या उत्पन्न होती है? रिक्तिकाएं उत्पन्न होती है। अगर रिक्तिका दोष है तो क्या होगा? इसमें जो है आप देखो कि इसका घनत्व कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? अरे बच्चों, अवयवी कण कम हो गए ना, तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, और द्रव्यमान कम हो जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट की दोष में घनत्व जो है वो घट जाता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि यहां पर जो आपके पास शॉर्ट की दोष है वो क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। क्रिस्टल को गर्म करने पर शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है, शॉर्ट की दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट की दोष के बारे में बात बताई। अब इसका मतलब है कि यहां पर ये सारी चीजें रिक्तिका दोष की तरह ही हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसमें एक ही कण निकलता था और इसमें एक धनायन और एक ऋणायन समान संख्या में बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अब जो है इसका पांचवा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि शॉर्ट की दोष किन में पाया जाता है? शॉर्ट की दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान हो, ये बच्चों ये पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट की दोष किन में पाया जाएगा? जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या होना चाहिए? समान तथा समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या जो है, उपसहसंयोजन
संख्या जो है वो क्या हो, उच्च हो, उपसंयोजन संख्या जो है वो क्या हो, उच्च हो, उनमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है। अब उदाहरण देख लो, तो उदाहरण जो है जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिख दिया कि NaCl, इसके अलावा KCl भी है, इसके अलावा CSCl, सीजियम क्लोराइड भी है, और वेरी इंपॉर्टेंट AgBr भी इसका एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, तो ये शॉर्ट की दोष विद एग्जांपल मैंने कंप्लीट कर दिया। बताओ मुझे कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, क्या कहा मैंने शॉर्ट की दोष? आपने इधर देखा कि यार इस आदर्श क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन समान संख्या में, धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर निकल जाए तो उत्पन्न दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। ठीक है, और ये से रिक्तिकाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, और इससे घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट लाइनें तो आपको आराम से आई जाएंगी। पांचवी लाइन ध्यान रखना है कि ये दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या हो, समान हो, और फिर एक बात और ध्यान रखनी है कि जिसकी समन्वय संख्या उच्च हो या उपसंयोजन संख्या उच्च हो। उपसंयोजन संख्या का मतलब क्या था? उपसंयोजन संख्या का मतलब था बच्चों कि एक आयन चारों तरफ से जितने आयनों से घिरा होता है उसे उसकी उपसंयोजन संख्या कहते थे। हमने जो है वो निबिड़ संकुलन में ये टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, तो जिसकी उपसंयोजन संख्या ज्यादा होती है ना, उनमें ये जो है दोष पाया जाता है। एग्जाम्पल याद कर रहे हैं, आपको इससे मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बस याद कर रहे हैं NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने फ्रेंकल दोष के अंदर। फ्रेंकल दोष भी आप पहले बना लो, क्या हुआ, पहले आदर्श क्रिस्टल बनाओ, फिर देखते हैं आदर्श क्रिस्टल में क्या परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन आएगा उसके आधार पर अपने परिभाषा लेकर डालेंगे। क्या हुआ बच्चों, इधर देखेंगे कि ये मैंने इस प्रकार से क्रिस्टल बनाया, ये देखो, ये जो मैं डायग्राम बनाता हूं ना, आपको सारी की सारी चीजें इस डायग्राम से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि पहले तो इसको मैं इस तरीके से सारों को जोड़ दूं, आपको अगर इसको गौर से देखो अगर आप, तो आप देख रहे हैं कि एक कण मैंने छोटा बनाया, एक बड़ा बनाया, एक छोटा बनाया, एक बड़ा बनाया। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल में लिख रहा हूं, देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा Ag+, क्या लिख दिया Ag+, यहां पर मैंने लिखा Cl-, फिर लिखा Ag+, फिर लिखा Cl-, फिर लिखा Ag+, सॉरी यहां पर तो आएगा बड़ा कण कौन है, Cl- है, Cl- और Ag+, फिर Cl-, फिर Ag+। ठीक है, इस प्रकार का एक आदर्श क्रिस्टल है। ये कैसा क्रिस्टल है? आदर्श क्रिस्टल है। अब ये पूर्ण ठोस है, लेकिन अब इसके अंदर दोष उत्पन्न होता है। कैसे दोष उत्पन्न होता है कि ये जो अवयवी कण है ना, ये अवयवी कण इनमें से कोई भी एक धनायन जिसका आकार छोटा है, जिसका आकार छोटा है, छोटा आकार किसका होता है, धनायन का होता है। ठीक है, तो वो अपनी आदर्श स्थिति को छोड़ करके ना, आदर्श स्थिति को छोड़ करके कहां चला जाता है, ये जगह कहां क्या है, अंतराकाशीय स्थान है ना, तो इस अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। ठीक है, तो आप फ्रेंकल दोष किसे कहेंगे कि यदि किसी क्रिस्टल में छोटा आयन, ब्रैकेट में लिखना है सामान्यतः धनायन, अपनी आदर्श स्थिति को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, तो इस दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। बस थोड़ा ऐसे दिमाग खोलो, मैंने ये नहीं कहा कि Ag+ बाहर से अंदर आ जाता है, नो बच्चों, यहां होना चाहिए था इसको, लेकिन यहां से हट करके ये इधर चला गया, बाहर से Ag+ नहीं आया है। ठीक है, तो इस दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंकल दोष के अंदर मुझे ये बताओ कि ये कैसा दोष है, रिक्तिका दोष है या अंतराकाशीय दोष है? ठीक है, तो आप कहोगे सर रिक्तिका भी उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष भी है, और Ag+ अंतराकाशीय स्थान में भी जा रहा है, इसलिए ये अंतराकाशीय दोष भी है। वेरी इंटरेस्टिंग कि फ्रेंकल दोष शॉर्ट की दोष सिर्फ रिक्तिका दोष था एक प्रकार का, लेकिन फ्रेंकल दोष रिक्तिका भी है और अंतराकाशीय दोष भी है। ठीक है, अब फिर मैं इससे पूछूं कि बताओ घनत्व में क्या परिवर्तन आया, घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा?
अरे बच्चों जितने कण थे उतने ही तो है, ना कोई बाहर गया ना कोई बाहर से अंदर आया, वो अंदर ही अंदर यहां से यहां गया है, तो इसलिए इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अरे ये यहां से यहां गया लेकिन है तो क्रिस्टल में ही, ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि यहां पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, चलिए फिर एक बात और देख लें कि ये फ्रेंकल दोष किन में पाया जाएगा। अरे इसको और इस डायग्राम को देखो, आपको बात पता लग जाएगी कि शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन के आकार देखो मैंने समान बनाए हैं, यहां पर आकार अलग अलग बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि फ्रेंकल दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाएगा जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में क्या हो, अंतर हो। ठीक है, उनमें ये पाया जाएगा। और ये शॉटकी दोष उनमें पाया जाता है जिनकी उपसंयोजन संख्या उच्च होती है, तो ये किसमें पाया जाएगा, जिसमें जिसकी उपसंयोजन संख्या क्या हो, कम हो। इसका एग्जांपल AGCL हो ही गया, AGI भी होता है, AGPR भी होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखें क्या कि अपनी लाइन लिखना शुरू करते हैं। फ्रेंकल दोष कहता है, पहली परिभाषा लिखता हूं कि यदि किसी क्रिस्टल में छोटा आयन ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, सामान्यतः धनायन अपनी आदर्श स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में आ जाए तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं, सॉरी फ्रेंकल दोष कहते हैं, उत्पन्न दोष को फ्रेंकल। चलिए फ्रेंकल दोष की आपको परिभाषा हो गई, अब दूसरी बात अपने सीखते हैं कि फ्रेंकल दोष जो है वो यह एक प्रकार का बच्चों बताओगे कि रिक्तिका दोष है कि अंतराकाशी दोष है, तो ये दोनों ही है, यह एक प्रकार का रिक्तिका व अंतराकाशी दोष, दोनों ही अंतराकाशी दोष है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का रिक्तिका दोष भी है और अंतराकाशी दोष भी है। ठीक है, चलिए तीसरी बात अपने देखते हैं कि यह इससे घनत्व जो है वो घनत्व में क्या परिवर्तन आता है। घनत्व में फ्रेंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें या फ्रेंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, यहां पर चौथा पॉइंट जो है ये एक लिख सकते हैं कि ये तो क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होते हैं और ये क्रिस्टल के निर्माण के समय उत्पन्न होते हैं, क्रिस्टल के निर्माण के समय उत्पन्न होते हैं कि क्रिस्टल जब निर्माण हो रहा था तब Ag+ को यहां होना चाहिए था लेकिन यहां आ जाता है, तो ये क्रिस्टल के निर्माण के समय उत्पन्न होता है। और पांचवा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि पांचवा पॉइंट इसका भी इंपॉर्टेंट है कि यह शॉर्ट की दोष उन्हीं यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो, लेकिन ये दोष जो है उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन या ऋणायन का यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में क्या हो बच्चों, अंतर हो, धनायन और ऋणायन के आकार में क्या हो, अंतर हो, धनायन व ऋणायन के आकार में अंतर हो, तथा उपसह संयोजन संख्या क्या हो, निम्न हो, उपसंयोजन संख्या निम्न हो, उनमें जो है ये फ्रेंकल दोष पाया जाता है। उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण क्या, एक मैंने लिखा AGCL, एक मैंने लिखा AGI, एक मैंने लिखा कि ZNS और एक मैंने लिखा AGBR, क्या लिखा AGBR।
तो आप यूं याद कर रहे हैं AgCl, AgI, AgBr ये तो है ही, और इसके अलावा ZnS जिंक सल्फाइड और है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष, ठीक है बच्चों। अब आप एक चीज देखें, गौर से देखो बच्चों, अरे इधर भी AgBr है, कई लोग सोच भी रहे थे कि सर गलती कर रहे हैं, और इधर भी AgBr है, लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों कि AgBr ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष दोनों ही प्रदर्शित करता है। पुरानी बुक के अंदर एक ये क्वेश्चन था भी कि AgBr शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष दोनों उत्पन्न करता है, क्यों? तो आप कहेंगे कि AgBr का आकार लगभग समान होता है, इसलिए आयनिक ठोस पर आयनिक जो है सॉरी शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करता है, और क्योंकि इसके अंदर Ag का आकार लगभग समान है, पूरा समान नहीं है, लगभग समान है, जिसमें Ag छोटा है, ठीक है। तो Ag एक तो छोटा है और एक ये गतिशील ज्यादा है, इसकी वजह से ये फ्रेंकल दोष भी उत्पन्न करता प्रदर्शित करता है। ये विचलन का मतलब है ज्यादा गतिशीलता, मतलब यहां से चल करके ये इधर आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये फ्रेंकल दोष भी उत्पन्न करता है। चलिए अब ये तो हो जाएगा आपके पास शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष, और एक प्रश्न आएगा कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंत उदाहरण सहित अंतर लिखो, तो ये अंतर भी आ जाएगा, और अभ्यास प्रश्न 1.23 में कह रखा है कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष को उदाहरण सहित समझाओ, तो आप ये परिभाषित करो, तो ये परिभाषित भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं बात करता हूं पाठ्यनिहित प्रश्न 1.19 के। पाठ्यनिहित प्रश्न 1.19 में क्वेश्चन क्या है, सुन ले, लिख ले आप। कहता है कि किसी क्रिस्टल को गर्म करने पर उसमें किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तथा इससे इसके किस भौतिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इससे इसके भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रश्न अभ्यास पाठ्यनीति प्रश्न 1.19 लिखवा रहा हूं मैं, पाठ्यनीति प्रश्न 1.19। तो इसका उत्तर क्या होगा, गर्म करने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, आयनिक ठोस है तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है, और शॉर्ट की दोष से भौतिक गुण कौन सा बदलता है, घनत्व, और घनत्व जो है इसका घट जाता है, ठीक है। तो गर्म करने पर शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है, तथा इससे इसका घनत्व जो है वो घट जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये 1.19 नंबर भी हो जाएगा। फिर पाठ्यनिहित प्रश्न 1.20 है, अगला प्रश्न लिखे पाठ्यनिहित प्रश्न 1.20, और प्रश्न कह रहा है कि निम्न उदाहरणों में, निम्न उदाहरण किस प्रकार